अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बोनलेस चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल, दरमियानी साइज़ की 2 प्याज लेकर उनका पेस्ट बना लें और इसमें शामिल करें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लें। इसको ब्राउन नहीं होने देना, सिर्फ नरम करना है। अब इसमें 1/2 किलो बोनलेस चिकन शामिल करें। एक से दो मिनट के लिए पकाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून शामिल करें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। दो से तीन मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम 1 कप दही शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर 1 टीस्पून, 1 से 2 टमाटर का पेस्ट बना लें वो उसमें शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो से तीन मिनट के लिए तेज़ आंच पर भूनें। अब इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करें और 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर रख दें। ये देखें, ये अच्छी तरह पक गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टीस्पून। आंच तेज़ कर लें और अब इसमें हम शामिल करेंगे फ्रेश हरा धनिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। चिकन बोनलेस कढ़ाई मज़ेदार तैयार है। वाओ, इट्स डिलीशियस। Please subscribe and like this channel.